वेल बबली, आई थिंक अब मैं अपने एग्जाम्स में कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में हारता ही चला जा रहा हूँ। स्कूल टाइम से ही मेरे पास इतना स्ट्रेस है। आई थिंक मुझे प्रोटेक्टर दीदी का वीडियो देखना चाहिए, शायद वो कोई सलूशन दे दे और मेरी हेल्प हो जाए। लेट्स सी। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आप 10-10 घंटे पढ़ाई करते हो बट आपके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, और आपका फ्रेंड जो दिन भर खेलता रहता है उसके 90% आ जाते हैं एंड आप ये देखकर शॉक हो जाते हो? तो इस वीडियो में तुम्हारे फ्रेंड का सीक्रेट रिवील करने वाले हैं कि वो कैसे दिन भर खेल कर भी 90% स्कोर कर देता है, और इस टेक्निक को अप्लाई करके तुम 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और अपने फ्रेंड को नेक्स्ट एग्जाम में हरा सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी नाइफ को शार्प करनी होगी। अब नाइफ शार्प करने का मतलब ये कि तुम्हें अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने होंगे। जब नाइफ शार्प होगी तभी तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे से काट पाएंगे। तो मेरा मतलब यही कि तुम्हें पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। यानी कि पहला काम तुम्हें ये करना है कि तुम फर्स्ट डे जो भी पढ़ोगे उसके बेसिक को तुम प्रॉपरली तैयार करोगे एंड देन तुम एक्सरसाइज या फिर किसी भी चीज़ पे प्रोसीड करोगे। तुम्हारे फ्रेंड का दूसरा सीक्रेट ये है कि वो पढ़ने से 2-3 घंटे पहले कुछ नहीं खाता। तो तुम्हें भी पढ़ाई करने से 2-3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना, बट इफ़ यू आर हंग्री तो तुम कुछ लाइट फूड लो। और पढ़ाई करते टाइम तुम अपने साथ एक वाटर बॉटल को कैरी किया करो। जब भी तुम पढ़ो तो उसे अपने साथ लेकर बैठा करो ताकि तुम्हें जब भी भूख लगे तो तुम उसे पी लो, और पानी पीने से तुम फुल महसूस करोगे और तुम्हें ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। और अगर तुम खाकर पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें नींद लगने लगती है, जैसे कि तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं हो पाता। और दोस्तों, जो 1 मिनट ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल है। इस 1 मिनट ट्रिक का ट्रिक ये है कि आपको अपना पढ़ने का सही जगह चुनना है। पढ़ने का सही जगह चुनने में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं, यहाँ कुछ टिप्स हैं पढ़ने के लिए, अच्छा स्टडी स्पेस बनाने के लिए। तो सबसे पहला तो है शांति और सुकून। अपने स्टडी स्पेस को ऐसे जगह पर बनाएं जहाँ पर शांति और सुकून हो। आपका फोकस तभी बना रहेगा। अपने घर वालों से बोल दीजिए कि मुझे अपने लिए मी टाइम, जो स्टडी टाइम है, वो 3 घंटे दे दीजिए। आप उसमें मुझे चिल्लाएंगे नहीं या फिर आप मुझे दही लाने, ये सब चीज़ें लाने नहीं भेजेंगे। तो शांति और सुकून जब आपके पास आ जाएगी तो आप खुद पढ़ाई में कंसंट्रेट करने लगोगे। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, अच्छी लाइटिंग। पढ़ने के लिए अच्छी लाइटिंग का ध्यान रखें। डीम लाइट या बहुत तेज़ लाइट से आँखें थक सकती हैं। तीसरा है क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। अपने स्टडी टेबल को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखिए। अननेसेसरी चीज़ें दूर रखिए और एक कंफर्टेबल सा चेयर रखिए। आपका चेयर कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि लंबी पढ़ाई सेशन के दौरान भी आपको तकलीफ़ ना हो। और दोस्तों, ध्यान दें कि आपका स्टडी एरिया अच्छी वेंटिलेशन हो ताकि ऑक्सीजन सर्कुलेशन सही रहे। आप अपना रूम बंद करके मत पढ़िए। एक बात आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ स्टडी मटेरियल एक्सेसिबिलिटी। अपने स्टडी मटेरियल जैसे कि बुक्स, नोट्स और पेंस आसानी से आपके पास में हो ताकि आपको बार बार लाने के लिए उठना ना पड़े और आपका फोकस बना रहे। अपने स्टडी स्पेस को अपने अकॉर्डिंग बनाइए। कुछ मोटिवेटिंग कोट्स या पिक्चर्स लगाइए, ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है पढ़ने में। पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शन फ्री रहिए। मोबाइल फ़ोन्स और टीवी जैसे डिस्ट्रैक्शन से तो बिल्कुल ही दूर रहिए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन का तो पढ़ने के टाइम नाम निशान ही आप हटा दीजिए। और दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टडी टेबल पर एक क्लॉक रखिए ताकि आप समय का पता लगा सकें। आप जब भी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों तो आप टाइमर लगाकर ही पढ़िए। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो या फिर कोई टेस्ट देते हो तो वो कभी भी आपको टाइमर लगा के ही करना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी एबिलिटी पता चलती है कि हाँ, मैं इतने में हूँ और मुझे इन चीज़ों पे काम करना है। मैं इतने देर में इसको टैकल कर पा रहा हूँ या नहीं, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन तक मैं इसको कर पा रही हूँ या नहीं, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज़ एर्जोनॉमिक सेटअप। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का सेटअप भी एर्जोनॉमिक हो ताकि आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। और एक है एस्थेटिक अपील। अगर आपको अच्छे दिखने वाला स्टडी स्पेस पसंद है तो उसमें थोड़ा एस्थेटिक्स का भी ध्यान रखिए।
इस तरह से एक कंफर्टेबल, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी स्पेस बनाकर आप अपनी पढ़ाई में बेहतर फोकस कर सकते हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके सेट करके पढ़ती हूँ तो मेरा खुद फोकस इतना बढ़ जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मोस्ट ऑफ द काम कम टाइम में हो जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए मैं और इफ़ेक्टिव मोटिवेटिंग वीडियोस लाती रहूँगी।